गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी पहुंचे और उन्होंने वहां पर घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में ही इस पूरी घटना की समीक्षा भी की थी और उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर उन्होंने सख्त से सख्त आदेश दिया था और इसमें सभी दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है और लगातार लोगों को खोजा जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मंगलवार सुबह भारतीय नेवी और एनडीआरएफ की टीमें ने रेस्क्यू अभियान फिर से शुरू कर दिया। अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी खोज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की थी। उस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इस मामले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, समझने का प्रयास होना चाहिए कि हादसा कैसे हुआ और इस तरीके के हादसे भविष्य में कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल जाकर सभी पीड़ितों का हालचाल जाना। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जबकि अभी भी कई लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे के पीड़ितों से मिलने से पहले उन अधिकारियों से मुलाकात की जिन्होंने कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पीएम की इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई और उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों का हालचाल जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अस्पताल पहुंचा और सिविल अस्पताल में पीएम मोदी मोरबी हादसे के घायलों से मुलाकात करने पहुंचे और एक एक घायलों से उनके बेड पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और उनके शीघ्र स्वस्थ हो जाने की कामना की। फिलहाल आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से घायलों से मुलाकात की है। तो उनसे ये भी जानने की कोशिश कर, लोग थे बता रहे हैं कि क्या हुआ था और साफ तौर पर एक संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। और देखिए ये जो हमने देखा कि जैसे ही ये घटना हुई कुछ ही मिनटों में अगर देखें तो रिस्पॉन्स जो रहा है एम्बुलेंसेस का, हॉस्पिटल ले जाना, रेस्क्यू शुरू करना, वो सभी कुछ बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स किया गया इस घटना के बाद। और जैसे अगर हम वडोदरा से जो एनडीआरएफ की टीमों को भेजने की बात हो या एनडीआरएफ की टीमों की बात हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, हमने देखा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, तो पूरी तरह मैं एकता नगर में हूँ पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है।